आमिर खान बन चुके हम, ठंड का वीडियो ठंड में ही बनाएंगे। चैनल, और जैसा कि अभी आपको छोटी सी क्लिप देख के लगा ही होगा, हम लोग आपको बताने वाले हैं, मतलब कुछ ज्ञान देने वाले हैं विंटर्स इन जर्मनी के बारे में। तो बने रहो क्योंकि अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर जाके आप लोगों से विंटर्स इन जर्मनी की बात करेंगे, जो हमें लगता था कैसा होता है विंटर्स वर्सेस अभी कैसा है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए एक्चुअल विंटर्स में बैठ के और विंटर्स इन जर्मनी का वीडियो बनाते हैं। विंटर्स इन जर्मनी, पहला विंटर का काम, हैंड क्रीम जो इंडिया में कभी नहीं सुनी। चलो लेट्स गो। गाइस, हम लोग हैं ठंड में खड़े हुए, दीपक का टोपा लग चुका है और मेरा ये हो गई है, तो टोपा लगना जरूरी है। और हम लोग आपको बताने वाले हैं विंटर्स इन जर्मनी के बारे में। दीपक तुम स्टार्ट करोगे? हाँ, मैं बेसिकली हम आपको बताएंगे कि क्या क्या लोगों के दिमाग में थॉट्स होते हैं जर्मनी नहीं यूरोप को लेकर ही, कि वहाँ पर विंटर कैसी होती होगी, कैसा वेदर होता है जनरली। जो मेरे भी दिमाग में थॉट्स थे यहाँ आने से पहले कि क्या है, मतलब सर्दी पड़ती है, कितनी पड़ती है, और गर्मी पड़ती है क्या, और कैसे यहाँ के घर होते हैं, कैसे ये लोग विंटर में मैनेज करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब हम आपको बताएंगे एक एक करके। तो हम लोग मतलब जगह भी चेंज करते जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे मतलब नेचर भी दिखाते जाएंगे, प्लस चीज़ें भी डिस्कस करते जाएंगे जो हम लोग वीडियोस में नॉर्मली करते हैं। तो जर्मनी जो है वो बहुत बड़ा है, एक्चुअली वास्ट है, और टेम्परेचर डिफरेंसेस जो हैं वो वेरी करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर हमारे यहाँ सिर्फ स्नो ही होती है, तो नहीं, बिकॉज सब खाली है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि बर्लिन में स्नो नहीं होती है, तो हाँ, मतलब सीज़न में एक बार हो जाती है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है यूरोप या जर्मनी में कि हर टाइम एक ही जैसा टेम्परेचर होता है, ये डिपेंड करता है एक जगह से दूसरे जगह। जैसे अगर मैं अभी ड्राइव करती हूँ और 50 किलोमीटर दूर पे ही हो सकता है किसी जगह पर स्नो पड़ी हो, है ना? जैसे कुछ कुछ विलेजेस हैं आसपास में, वहाँ पर स्नो पड़ जाती है कभी कभी और यहाँ नहीं पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि सभी जगह सेम ही वेदर रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ स्नो नहीं पड़ती है, कुछ ऐसी है जहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, और जैसे हमारे यहाँ होता है बेसिकली। तो एक ही जैसा वेदर नहीं रहता पूरी कंट्री में, और सीज़न वाइज भी देखो तो कई लोग सिर्फ भी जानना चाहते हैं, जो मेरा भी था थॉट कि क्या यहाँ गर्मी पड़ती है, और पड़ती है उससे पहले तो कैसी पड़ती है। एक बात बताती हूँ, मुझे कुछ लोगों ने नीचे कमेंट किया कि क्या हम गर्मियों में कट स्लीव्स या स्लीवलेस पहन सकते हैं। हाँ, ये बेसिकली बहुत लोग जानना चाहते हैं। मैं भी सोचता था कि कैसी गर्मियाँ होती होंगी, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं कि यूरोप का सीन दिखा रहे हैं, और कोई मतलब यूरोप का जितना भी मूवीज सीन दिखाते हैं सब जैकेट स्वेटर पहन के ही और स्नो वगैरह यही दिखाते हैं, तो गर्मी का हमें पता नहीं था कि कितनी गर्मी पड़ती है, तो हम बताएंगे पर लेकिन गर्मियों के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ विंटर्स के बारे में बात कर रहे हो, हम विंटर्स के ही बारे में बताएंगे। तो जर्मनी जो है उसके आसपास है वो 9 कंट्रीज़ हैं, और 9 कंट्रीज़ भी ऐसी कंट्रीज़ जो शायद आपकी ड्रीम कंट्रीज़ में से एक हो सकती है, जैसे स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, नीदरलैंड, ऐसे 9 कंट्रीज़ हैं, आप मैप देख लेना। तो जो भी एल्प्स वाला एरिया है, जैसे हम लोग गए थे गार्मिश, जो माउंट बेसिकली एल्प्स मतलब जो माउंटेन्स हैं, यहाँ पर माउंटेन रेंज है, वो ये मान लो आप स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और प्रॉब्ली लिंचेस्टाइन, ये कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। यहाँ पर पूरे में एल्प्स हैं, माउंटेन्स हैं,
जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, शायद आपने हमारे वीडियोस में देखा भी होगा पिछले, और जो सबसे बड़ा यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक है ज़ुगस्पिट्स, वो भी इधर ही है जर्मनी में, जो माउंटेन्स जो एल्प्स हैं वहाँ पर, और वहाँ स्नो ये मान लो आप 12 महीने देख सकते हो माउंटेन्स पे पीक पर, तो ठंडा वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है उस एरिया के आसपास। जैसे हमारे यहाँ देखो आप हिमालयन रेंज है तो उसके आसपास कश्मीर हिमाचल वहाँ बहुत ठंडा होता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो जैसे हम लोगों ने अभी तक जो है वो एक्सप्लोर किया हुआ है ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बॉर्डर वाला एरिया जो उस तरफ लाइक साउथ में आता है, जर्मनी के साउथ में जो बायन आपने सुना ही होगा उस तरफ, बाकी स्विट्ज़रलैंड वाला एरिया है प्लस इटली वाला एरिया है, तो वो वाले भी एल्प्स एरिया जो है वो हमें कवर करने हैं, पर वो बहुत सुंदर है, स्नो कभी भी देख सकते हो वहाँ पर आप, और जो स्प्रिट जो टॉप ऑफ द यूरोप है वहाँ तो आपको हमेशा 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 स्नो मिलेगी। दीपक सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने से पहले चलते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा विंटर में वॉकिंग के मजे ले रहे हैं। जब तक आप क्या सोचते हो यूरोप की ठंड या जर्मनी की ठंड के बारे में नीचे हमें कमेंट करो, हम आपके कमेंट पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, थोड़ी और ठंड में जाते हैं और दूसरा पॉइंट कवर करते हैं। इस जगह के बारे में बता रहे हैं तो एक बात और बता देते हैं, हैमबर्ग और बर्लिन में सीजन में सिर्फ एक ही बार स्नो पड़ती है। और हम एकदम कोल्ड हो रहे हैं, हम लोग आमिर खान बन चुके हैं, हम ठंड का वीडियो ठंड में ही बनाएंगे। हम आ गए हैं जंगल में बिल्कुल, और अब हम बताने वाले हैं आपको यहाँ के सीजन्स, क्योंकि अब विंटर से पहले ये तो जरूरी होता है। यहाँ सीजन कितने होते हैं यहाँ पर? बेसिकली सिर्फ 3 सीजन होते हैं और रेनी सीजन यहाँ नहीं होता। इसका ये मतलब होता है यहाँ पर रेन जो है वो कभी भी हो सकती है, और विंटर्स में तो हर कभी हो जाती है। रेन तो यहाँ पे रेंडमली कभी भी, जैसे हमारे यहाँ बरसात होती है ना कि पूरे टाइम बारिश ही होती रहती है बरसात में, ऐसा नहीं है यहाँ पर, कभी भी रेन हो जाती है विंटर में भी, और समर में तो नहीं होती इतनी, थोड़ी हो जाती कभी है, जैसे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो ऐसे स्पेसिफिक वो नहीं है यहाँ पर, और यहाँ वो भड़बड़ा आने वाली रेन नहीं होती, तड़तड़ और वो मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की, पता नहीं, बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, और जैसे ही होती है उसके बाद मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो यहाँ पर सिर्फ विंटर्स में या फिर ऑल अराउंड 12 महीने ठंडी होती है या रेनी होता है या समर ही होता है, तो ऐसा नहीं है। इसका जवाब तो हमने आपको दे दिया, आपके कमेंट्स में भी लिखा था वो दे दिया। नेक्स्ट इज दीपक, घरों में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर एक्चुअली। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, एक बार बहुत ठंड थी बाहर अराउंड -5 degrees, लाइक लास्ट विंटर में -5 degrees टेम्परेचर था, और मैं घर में मम्मी से वीडियो कॉल कर रही थी, और मम्मी बोलती हैं पागल हो गई है क्या लड़की, -5 degrees टेम्परेचर है और तू ऐसे ही टी शर्ट में पहनी बैठी हुई है, शॉर्ट्स में बैठी हुई है, क्यों दीपक ऐसा क्यों? तो यहाँ पर जो घर बनते हैं ना, जो घरों का स्ट्रक्चर होता है उसमें इंसुलेशन इतना अच्छे से करते हैं ये लोग कि आपको घर के अंदर, और हीटिंग रहती है यहाँ पर, भले एसी हो ना हो हीटिंग जरूर रहती है घरों के अंदर, तो घरों के अंदर आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, या मान लो आप लगेगा ही नहीं विंटर है, आप आराम से एक टी शर्ट पहन के हाफ पैंट पहन के शॉर्ट्स पहन के बैठे रहो दिन भर, चाहे बाहर स्नो क्यों ना गिर रही हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो इंडिया में हमारे घर होते हैं ना, बेसिकली हमारे यहाँ इतनी विंटर नहीं पड़ती, तो इंसुलेटेड नहीं होते। इस बार कितनी विंटर पड़ रही है, पड़ रही है इस बार सर्दी, लेकिन वही है इतने ज़्यादा इंसुलेटेड होने की जरूरत नहीं क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो अपने इंडिया में गर्म इतनी सर्दी लगती है, स्पेशली भाई यार जब सुबह सुबह नहाने जाओ बाथरूम में तो ऐसा लगता है और वो किला सी याद है पानी जैसे छुओ, ओ माय गॉड, आई डोंट खराब हो जाता, वो चीज यहाँ नहीं है। एटलीस्ट घर के अंदर आपको सुकून मिलेगा, नॉर्मल आप फील कर सकते हो जैसा समर में रहता है, बाहर निकलते टाइम आपको पूरा पैक होना पड़ता है,
तो सारे घर बहुत अच्छे से इंसुलेटेड रहते हैं, इवन रेस्टोरेंट्स और सुपरमार्केट कहीं भी आप जाओगे सब प्रॉपर हीटेड और इंसुलेटेड रहता जैसे है। जैसे अभी हम पूरा पैक हुए हैं और हम किसी भी अंदर वाली जगह पर घुसेंगे तो वहाँ पर इंसुलेटर्स होंगे और एकदम से गर्मी लगेगी क्योंकि वहाँ पर जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर रहेगा सारा टेम्परेचर। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत नई बात थी कि यार बाहर ठंड अंदर गर्मी, बाहर ठंड अंदर गर्मी, उसी के वो जो चक्र था उसी में मैं घूम रही थी। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पर यूरोप या जर्मनी में ऐसी भी कोई सी आइसोलेटेड ऐसी जगह हैं, आइसोलेटेड विलेजेस या आइसोलेटेड जगह जहाँ पर आज भी लोग लकड़ियाँ जो है वो इकट्ठी करते हैं विंटर्स के लिए एंड देन वो जलाते हैं घरों के अंदर। तो हम लोग मॉडर्न अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमारी जो वॉल्स है वो बेसिकली होता क्या है कि मैक्सिमम घरों में आजकल हीटिंग होने लगी है, मतलब होती है ऑब्वियसली, लेकिन जो पुराने घर हैं, कुछ घर हैं विलेजेस में कुछ लोग हीटिंग नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है और बहुत सारे रीजन्स हैं, एनर्जी बिल ये वो, तो उसकी वजह से वो लोग आज भी चिमनी यूज़ करते हैं। हाँ, दीवारें इंसुलेटेड होती हैं लेकिन घर के अंदर हीटिंग के लिए वो लोग चिमनी यूज़ करते हैं जिसके लिए लकड़ियाँ जलाते हैं, आपने देखा होगा, तो विंटर से पहले बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, ये आज भी होता है। तो ये है मतलब इनकी दिनचर्या जो आज हम भी थोड़ा इनके माहौल में ढल गए। ऑब्वियसली लकड़ियाँ नहीं होती क्योंकि हमारे घर बिल्कुल ही गर्म होते हैं जैसे ही हम अंदर घुसते हैं। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो वो करने के लिए हम जाते हैं। इन दोनों में से आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा या आपके लिए क्या नया था, जब तक कमेंट करो जब तक हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं। पॉइंट हम लोग जो इंटरेस्टिंग बोलने वाले हैं वो ये है अबाउट ग्लू वाइन या म्यूल्ड वाइन जो कि होती है हर्ब्स वाली वाइन। मैं वो बताऊं क्या होता है? हाँ, वो होता है काढ़ा हमारा एक्चुअली। तो यहाँ पर लोग, जैसे मैं आपको दिख ही रहा होगा पीछे गाड़ियाँ रखी हुई हैं, यहाँ लोग जंगलों में गए हुए हैं ट्रैक करने के लिए क्योंकि विंटर्स में ये लोग ऐसा नहीं है कि घर में बंद रह जाते हैं, माइनस में टेम्परेचर होता है तो भी। तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द जो जर्मन्स हैं या यूरोपियन लोग हैं वो लोग ग्लू वाइन पीते हैं जो कि गर्म वाइन होती है और वो सिर्फ अल्कोहलिक नहीं होती, वो नॉन अल्कोहलिक भी होती है। बेसिकली वो काढ़ा होता है बच्चों के लिए भी होती है। हाँ, तो आप सोते हैं उसमें तो आपको ठंड से बचाता है वो, और बहुत सारी हर्ब्स होते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट वो एक ऐसी चीज़ है जो मैंने बहुत सारी मूवीज़ में देखी थी, जो यहाँ की जो ओल्ड मूवीज़ होती हैं या जो हिस्ट्री रिलेटेड मूवीज़ होती हैं उसमें वो लोग ऐसा ग्लास होता था और ठंड में एकदम बिल्कुल चमड़े के जैकेट्स पहन के और वो पीते थे और मांस भी एकदम जो वो होता था वो पूरा एकदम बनाया, कट किया और खाया। तो मैं उसको देख के भी थोड़ा कल्चर समझ पाई बिकॉज मुझे नहीं पता पहले यहाँ कैसा होता था, बट रेफरेंस टू मूवीज़, रेफरेंस टू वैसी वाली मूवीज़ मैं आपको बता रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। अपने लिए तो चाय बहुत इम्पॉर्टेंट होती है पर इनके लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है और अब हम लोग अंदर नहीं जा सकते, बहुत हमने एक्सपीरियंस पीछे हमारे जंगल है जहाँ लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग करने, गाड़ियाँ खड़ी कर करके बहुत ठंड है, नहीं हो रही ठंड है, मेरे हाथ फिर से रेड हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है व्हाट टू वेयर। बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है मेरे कमेंट सेक्शन में कि क्या पहनना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ, जो कैनेडियन ब्लॉगर्स हैं उनके मैंने वीडियोस देखे और वहाँ पर इतनी ठंड होती है, -20-30 degrees होता है, तो वहाँ पर जैकेट्स जो होते हैं वो 1000 euro तक के होते हैं जो यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ 100 euro में आपको बहुत अच्छे जैकेट्स मिल जाते हैं, यहाँ की विंटर के हिसाब से काम चल जाएगा। तो आप परफेक्ट पेयर ऑफ इनर जैकेट, मतलब स्वेटशर्ट जैकेट पुलओवर और हैंड ग्लव्स और मफलर, मतलब कान ढका होना चाहिए, एंड द शूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनिशियली हम लोग शूज़ पे इतना ध्यान नहीं देते थे, हम कुछ भी पहन लेते थे, पर ऐसा हमें पता चला है कि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं आगे चल के। तो जो भी विंटर बूट्स हैं और जो स्नो बूट्स हैं वो ठंड में पहनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्नो के लिए तो बेसिकली आपको पता ही होगा, मतलब स्नो बूट्स कितने इम्पॉर्टेंट है ताकि आप स्लिप ना हो। हाँ, और विंटर बूट्स मतलब विंटर शूज़ इसलिए ताकि आपका पैर गर्म रखें, पैरों का गर्म रखना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली यार, क्योंकि
ठंड लगती है शरीर में, बीमारी होती है और लॉन्ग टर्म्स आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है आप पैरों मतलब शूज पे ज्यादा ध्यान दें अपने, अच्छे से उसको गर्म शूज अच्छे वाले विंटर शूज खरीदें और कंफर्टेबल भी होता है, आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ी देर के बाद ये नहीं लगता भागो भागो कहीं अंदर घुसो ठंड लग रही है पैरों में, इसलिए तो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको कानों में ठंड लगती है, हाथों में ठंड लगती है, तो आपको ये दोनों, लाइक मुझे हाथों में बहुत ठंड लगती है तो मुझे ग्लव्स पहनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, दीपक को कानों में बहुत ठंड लगती है इसलिए इसने कानों में ये लगाया हुआ है। तो ऑब्वियसली तो दिस इज़ द आंसर टू ऑल द कमेंट्स कि आपको विंटर्स में क्या पहनना चाहिए एंड कितना, लाइक शूज़ यहाँ पर अराउंड 50 यूरो तक के बहुत अच्छे मिल जाते हैं विंटर शूज़, जैकेट्स 100 यूरो तक का बहुत अच्छा मिल जाता है एंड और क्या, मेरे ख्याल में इतने में तो आपको चीज़ें अच्छी मिल ही जाएंगी, है ना। एंड अब मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कनाडा में नहीं रहती हूँ। हाँ यार वहाँ तो बहुत ही ज्यादा सर्दी, मतलब 1000 यूरो का जैकेट, ओह माय गॉड। यहाँ पर जैकेट्स जो होते हैं वो भी इंसुलेटेड होते हैं, तो कुछ ब्रांड्स होते हैं जो इंसुलेटेड जैकेट्स बनाते हैं, तो ऑफ कोर्स आप अगर और बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे रह रहे हो तो आप वो पहन सकते हो। ओके, और विंटर में सबसे बड़ी डिफरेंस जो मुझे लगा वो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनल बताता हूँ आपको, हम यहाँ पर विंटर में दुनिया थमसी जाती है, ये मानो आप थमसी जाती है, मतलब कि बाहर एकदम देखो आप शांति डार्क, लोग कार में घूमते रहते हैं, बाहर एक्टिविटीज़ नहीं होती, और विंटर में सडनली एक नई दुनिया होती है यहाँ पर, लोग इतना तैयार रहते हैं समर के लिए, मतलब सॉरी गर्मियों में, मतलब सारे रेस्टोरेंट्स बाहर होते हैं, विंटर में सब सारे रेस्टोरेंट्स अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली सर्दी इतनी है, लोगों की एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं, बाहर लोग इतना वॉक नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत वॉक किया लोगों ने, आए 10-15 मिनट जंगल में एक दो राउंड मारा और चले गए, तो एकदम से सब साइलेंस हो जाता है, सब ठंडा सा एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है, सब ग्रे वाइट यही दिखता है चारों तरफ, कलर्स चले जाते हैं, तो थोड़ा डिप्रेसिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, है ना सुरभि। एक इम्पॉर्टेंट बात दीपक जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, तुमने जो बोला उसी से मुझे याद आया, डे लाइट। हाँ डे लाइट बहुत कम होती हाँ, है यार वो तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। उजाला कुछ 8 बजे होता है और अंधेरा कुछ 3 बजे हो जाता है, और अगर मौसम और भी खराब हो तो इससे भी बदतर चीज़ें हो सकती हैं, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि जिस एरिया इंडिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं, मतलब जिस टाइम पे सुबह होती है उस टाइम पे ही सुबह होती है, जिस टाइम पे रात होती है 15-20 मिनट आधे घंटे का डिफरेंस होता ज़्यादा ज़्यादा। तो ये एक जो डे लाइट वाली चीज़ है ये भी बहुत डिप्रेसिंग बोल सकते हैं, क्योंकि आपको डे लाइट बहुत ज़्यादा नहीं दिखा जाती, मतलब अंधेरे में जाओ और अंधेरे में आ जाओ और ख़त्म खेल, तो थोड़ा डिप्रेसिंग होता है, लेकिन जैसे ही समर स्टार्ट होती है तो अलग ही मजा आता है। वो जो चेंजेस आते हैं ना विंटर टू समर, वो एक अमेजिंग चेंजेस हैं। चलो दीपक ये भी तो बता दो किस किस टाइम पे विंटर्स होती है मैक्सिमम विंटर्स। हाँ यहाँ पर विंटर बेसिकली स्टार्ट होती है मान लो आप अक्टूबर से और मार्च तक जनरली, तो जो पीक विंटर होती है वो दिसंबर जनवरी फरवरी, और अक्टूबर में सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और मार्च में भी सर्दियाँ रहती हैं बेसिकली, कई बार मार्च में भी स्नो होती है कुछ कुछ जगह पर, लेकिन हाँ ये 5 महीने विंटर आपको देखने को मिलेगी। तो जनवरी में है मतलब, और ये ऑफ सीजन भी है यूरोप घूमने का, अगर किसी को सस्ते में घूमना है तो ये टाइम आ जाओ, मज़ा नहीं आएगा लेकिन, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ पैसा सब कुछ बहुत सस्ता रहता है, होटल सस्ते होते हैं, वो ये चीप टाइम है घूमने के लिए, लेकिन ऑफ सीजन है, लेकिन मत आना इस टाइम पे, मजे नहीं आएंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ आधे घंटे से बाहर है और हमारी हालत खराब हो चुकी है, सर्दी भी और आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा देखने के लिए, सब कुछ बेटर टाइम है समर। और यहाँ सिर्फ अभी तक 2 ही बार स्नो पड़ी हुई है, जो वीडियो भी पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे। ओह नो दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग प्लेस दीपक। हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा हो, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो नीचे कमेंट करो। क्यों हंस रही है? विंटर्स, अरे बहुत ठंड लग रही है इसलिए, विंटर्स के लिए हमारा
जो इम्प्रेशन था वो यही था, बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन जो हमें चीज़ें लगी बहुत अलग है इंडिया से। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में नीचे कमेंट करना। अगर आपको कोई विंटर्स के बारे में कुछ चीज़ याद आती है जो हम भूल गए हैं तो नीचे कमेंट करना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर स्नो में जाना है तो बायन एरिया में गार्मिज पार्टन किशन में ज़रूर जाना। जुग स्पीड जरूर जाना। बाकी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल द टाइम डू व्हाट एवर यू वांट टू डू एंड जस्ट लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर।